हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजयज होम किचन। मैं आपकी दोस्त नैन्सी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राइस स्टफ टमाटर की रेसिपी। ये बहुत सिंपल रेसिपी है, आप इसे साइड डिश की तरह अपने लंच में या ब्रेकफास्ट में कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी और देख लेते हैं इसे बनाने के लिए मैं किन चीज़ों की नीड होगी। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड किया है। इसके साथ मैं इसके अंदर डालूंगी 1 चॉप्ड ग्रीन चिली। इसके साथ मैं इसे हल्का सा फ्राई करूंगी और अब मैं डालूंगी इसके अंदर चॉप्ड अनियन। ये देखिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसे भी इसके साथ बहुत अच्छे से फ्राई कर लूंगी। ये सारी चीज़ें मैं हाई फ्लेम पे ही फ्राई कर रही हूँ। इसके साथ अब मैं इसके अंदर डालूंगी चॉप्ड कैरेट और इसे भी इसके साथ मैं थोड़ा सा टॉस कर लूँगी। और अब मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दूँगी जिससे कि जो हमारी वेजी हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और इसे कवर करके 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। ये देखिए 5 मिनट्स हो गए थे और अब हम अपनी वेजीज को हल्का सा चला के देख लेते हैं। ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई और अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी और बस यही मसाला है जो इसके अंदर जाएगा। और अब मैं इसके अंदर कुक्ड राइस ऐड कर दूँगी। ये मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिए थे राइस, इन्हें भी मैं इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यही चीज़ें हैं जो इसके अंदर जाएंगे, आपको इसमें और कोई मसाला ऐड नहीं करना है। और अब मैं इसे कवर करके ऐसे ही साइड में छोड़ दूँगी। मैंने गैस ऑफ कर दिया और अब टमाटर को भी कर लेते हैं तैयार। यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, आपको यही बड़े साइज़ वाले टमाटर लेने हैं। और अब मैं क्या करूँगी, इसे इसकी जो ऊपर की टिप है इसे इस टाइप से कट कर लूँगी। आपको इनमें इनके बीच में एक होल बनाना है, तो इसे आप नाइफ से भी बना सकते हैं और आप स्पून के हेल्प से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस टाइप से आपको टमाटर को बीच में से होल करना है क्योंकि इसके अंदर हमें राइस की स्टफिंग करनी है। और इसका जो बीच का बचा हुआ पार्ट है, जो इसमें से गूदा जिसे हम बोलते हैं जो बचा है, वो भी आप नेक्स्ट अपनी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। वो एक तरीके से आपका टोमेटो का पल्प ही हो जाता है, तो आप उसे किसी भी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं, वो वेस्ट नहीं होता है। तो चलिए ये देखिए इसे अच्छे से मैं इसे रिमूव कर लूँगी। और ये आपकी लेफ़्ट ओवर राइस की भी रेसिपी के फॉर्म में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके चावल बचे हुए हैं, स्टीम राइस जो हम बनाते हैं कई बार बच जाते हैं और हमारे पास 2-3 टमाटर भी हैं, रेसिपी बना सकते हैं। तो ये देखिए सारे टमाटर को मैंने बीच में से अच्छे से होल कर लिया है और अब मैं इसके अंदर राइस की स्टफिंग करूँगी। राइस की स्टफिंग जब राइस थोड़े से कूल हो जाए तभी करिएगा आप। इसे अच्छे से थम से प्रेस कर करके मैं सारे टमाटर को राइस के साथ फिल कर लूँगी। और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और आप इसे लेफ़्ट ओवर राइस की रेसिपी भी बोल सकते हैं। ये देखिए सारे टमाटर फिल हो गए। अब मैं क्या करूँगी, इनके ऊपर घी से इसे ग्रीस करूँगी। इस टाइप से आपको इसे घी से ग्रीस करना है। आप ऑयल भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर घी से इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, एक कढ़ाई ले लूँगी, आपको फ्लैट तले की कढ़ाई लेनी है। तो इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है और अब इसे अच्छे से चारों तरफ मैं फैला लूँगी ऑयल को। और अब इसके अंदर सारे टमाटर अपने रख के इन्हें कवर करके 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। 5 मिनट्स के बाद मैं आपको इनको दिखाती हूँ। और ये मैंने स्लो फ्लेम पे कुक किए थे। ये देखिए 5 मिनट्स के बाद हम चेक कर लेते हैं और अभी टमाटर हमारे ये थोड़े रह गए हैं। जब इनका हल्का सा जो ऊपर की स्किन है वो हट जाए तब आप इसे निकाल लीजिएगा। ये देखिए दोबारा से चेक कर लेते हैं और आप देख रहे हैं कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए, आपको दिख रहे होंगे। ये सॉफ्ट हुए हैं पर मैशी नहीं हुए हैं। ध्यान रखिएगा, टमाटर सॉफ्ट होने चाहिए, मैशी नहीं होने चाहिए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आप उन्हें मत करिएगा। ये देखिए ये हो गए। अब मैं इसके ऊपर धनिया पत्ती से इसे गार्निश कर लूँगी और ये हमारे टमाटर की साइड डिश तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।